बिहार में सत्ता गंवाने के दर्द से लालू परिवार अभी उबरा भी नहीं कि लैंड फॉर जॉब घोटाले की फांस में भी जकड़ता दिखने लगा है। दो दिन पहले ही डिप्टी सीएम की कुर्सी गंवा चुके तेजस्वी यादव को आज पटना में ईडी के सामने पेश होना है। इसी मामले में कल लालू यादव से 9 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। इस दौरान आरजेडी के समर्थक ईडी दफ्तर के सामने जमे रहे। ईडी की पूछताछ को आरजेडी अपने नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है और बीजेपी ने भी लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ईडी ऑफिस जोनल ऑफिस है पटना में और यहाँ लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनसे पूछताछ होनी है। लगता है कि लालू परिवार की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। दो दिन पहले राज्य की सत्ता हाथ से निकल गई और अब ईडी की कार्रवाई का खतरा भी बढ़ गया है। लैंड फॉर जॉब मामले की फांस से लालू परिवार उबर नहीं पा रहा है। समन दर समन जारी हो रहे हैं और उसके बाद घंटों पूछताछ। पूछताछ के इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव आज पटना में पेश होंगे। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी के पटना दफ्तर में पेश होने के लिए तेजस्वी यादव को नया समन जारी किया गया है। ईडी ने उनको दो बार तलब किया था, पहली बार 22 दिसंबर को और दूसरी बार 5 जनवरी को। दोनों ही बार तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। तब वो बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार से आरजेडी आउट हो चुकी है। तेजस्वी की डिप्टी सीएम की कुर्सी अब जा चुकी है। बिहार में नई सियासी बयार बहने लगी है। आरजेडी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, नई सरकार का गठन भी कर लिया गया है और अब लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई की तलवार लटकती दिखने लगी है। लैंड फॉर जॉब घोटाले की फाइल पर जोरदार एक्शन जारी है। कल पटना के ईडी दफ्तर में लालू यादव पेश, उनसे 9 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। लालू प्रसाद यादव 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ईडी ऑफिस से। सुबह 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ शुरू हुई थी और 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं और ये आपको समर्थक की आवाज नजर आ रही होगी। तस्वीर लालू प्रसाद यादव जिनसे पूछताछ हो रही थी और भीड़ आपको मैं दिखा दूं, भारी संख्या में यहाँ समर्थक पहुंचे हुए हैं जो जब से लालू यादव से पूछताछ शुरू हुआ है तभी से यहाँ खड़े थे। ईडी के सवालों का सामना पहली बार लालू प्रसाद यादव ने पटना में किया है। कल सुबह लालू यादव जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ थी। ईडी ऑफिस के सामने लालू समर्थकों का हुजूम खड़ा था। वो लगातार लालू के समर्थन में नारे लगाते रहे। इस दौरान मीसा भारती ने भी पिता के साथ अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया। उनके पिता की बीमारी की बार बार वो बात कहती रही, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दी, जिसके बाद वो नाराजगी दिखाते हुए पास में ही धरने पर बैठ गई। आज हमारे पिताजी को बुलाया गया, कल हमारे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। लालू परिवार में ये तिलमिलाहट यूं ही नहीं है, इसकी वजह है वो ईडी, जिसके चक्रव्यूह में लालू यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ है। अपने बुजुर्ग पिता के बचाव में मीसा भारती दिन भर ईडी दफ्तर के सामने डटी रही तो उनकी बहन रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए हमला करती रही। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल भी नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है कमजोर नहीं। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आरजेडी तो मौजूदा हालात को इमरजेंसी से भी बदतर बता रही है। तो जो विपक्ष पूरे रूप मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ देश में 140 करोड़ जनता ने फैसला ले लिया है तो उस पर हो करके वो हिटलर शाही की तरह काम कर रहे हैं। वो कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता तय कर चुकी है
24 आएगा, उनका जाना तय है। इमरजेंसी के दौरान जो है मेरी आवाज को कंट्रोल किया था, यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। सत्ता जो है ना, यह स्थायी नहीं है। आरजेडी के नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार पलटवार करने के लिए तैयार बैठी हुई है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। जिस लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार घिरा के, वो आखिर किसने किया था? जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 के बीच रेलवे में घूस लेकर नौकरी देने का आरोप लगा। आरोप है कि 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, जिसके बदले नौकरी पाने वालों ने जमीन दी। आरोप है कि राबड़ी देवी और बेटियों के नाम पर भी जमीन ली गई। इस पूरे ही मामले की जांच चल रही है। 2021 में जांच एजेंसियां लैंड फॉर जॉब घोटाले वाली फाइलों को तब से ही खंगाल रही हैं। इस पूरे ही मामले में ईडी दिल्ली के रावर्स एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये इस मामले की पहली चार्जशीट है। 4751 पेज की चार्जशीट में लालू परिवार के कई लोगों का नाम शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 7 आरोपियों में राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव का भी नाम शामिल है। हृदयानंद चौधरी, अमित कात्यान, 2 कंपनी AK इन्फोसिस्टम और AB एक्सपोर्ट को आरोपी बनाया गया है। अमित कात्याल की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे ही मामले में लालू के बेटे तेजस्वी से भी पूछताछ जारी है। ऐसा आरोप है कि नौकरी के बदले मिली जमीन की डील के बाद तेजस्वी के बैंक अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।